नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल GDS लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS के सेकंड लिस्ट के बारे में। जिन कैंडिडेट ने भी GDS BPM EVPM भर्ती 2023 में अप्लाई किया था, जो वैकेंसी जुलाई मंथ में आई थी, उसका रिजल्ट जो है आ चुका है 4-5 दिन पहले, और काफ़ी सारे GDS का जो है इस पर सिलेक्शन हुआ है। वो बहुत ज़्यादा मेरिट गई है दोस्तों। काफ़ी लोग उम्मीद ये लगा रहे थे कि इस वैकेंसी में जो पोस्ट है लगभग 31,000 के आसपास है, तो मेरिट काफ़ी कम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पिछली सारी वैकेंसियों को देखें तो उससे भी ज़्यादा इस वैकेंसी में मेरिट गई है। कहीं कहीं पे तो आगरा डिवीज़न में हमने देखा है कि 100% पे सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद 99, 98, 97, 95 बहुत कम देखने को मिला है, और बहुत सारे कैंडिडेट 90% पे भी उम्मीद लगाए रखे थे। हम लोग का खुद जब हम लोग का सिलेक्शन 2020 वैकेंसी में हुआ था, उस समय 80-85 में भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो इस उम्मीद में हम लोग थे कि हो सकता है इस बार मेरिट 90 से कम जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 99-100 इसी के आसपास मेरिट गई थी। और एक और बात है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने फर्जी तरीके से अप्लाई किया है, किया उनका परसेंटेज कम है, उन्होंने 100 या 90-95 जो भी है ऐसे करके अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा न करें और फर्जी तरीके से अप्लाई न करें। जिन भी लोगों का फर्जी तरीके से हुआ है वो कृपया करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न जाएं, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जो भी आपने फर्जी तरीके से अप्लाई किया है वो आपका फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। इसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, FIR भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में ऐसा हो चुका है। जिन लोगों ने गलत तरीके से अप्लाई किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही उनको बाहर कर दिया गया है, तो ऐसा ना करें। दूसरी बात, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि GDS की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और उसमें क्या परसेंटेज कम जाने की उम्मीद है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि परसेंटेज उसमें कम जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का GDS में सिलेक्शन हुआ और 16-9-2023 से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको लेके जाने हैं, और उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और अगर आप OBC, SC और ST हैं तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये सब डॉक्यूमेंट हैं और इसको आप लेके जाएं। और जितने भी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उनके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी उन सीटों पे या जो फर्जी कैंडिडेट होंगे जो भी सीटें खाली होंगी उस पे दोबारा मेरिट निकाली जाएगी, और GDS का सेकंड मेरिट लिस्ट 16-9-2023 के बाद आएगा, और उसमें हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ही कम रहेगा, यानी 95-96 उसमें भी रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है जो भी जिनका हाई परसेंटेज है। कुछ लोग फर्जी तरीके से अप्लाई किए हैं लेकिन सभी ने नहीं किया है, मेरिट ज़्यादा गई है फर्स्ट लिस्ट में, उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट में मेरिट ज़्यादा जाएगी। तो सेकंड लिस्ट आपकी जो है 16 तारीख के बाद आएगी, जल्दी हम आपको अपडेट देंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।